प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की बैठक की अध्यक्षता की। CSIR की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने CSIR द्वारा किए गए कामों पर चर्चा की। उन्होंने इस बैठक में संस्था द्वारा किए गए काम की खुलकर सराहना की और भविष्य के रोडमैप को चार्ट करने के लिए अपने कई अहम सुझाव भी दिए। नई दिल्ली में CSIR की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने विश्व स्तर के उत्पादों को विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इनोवेशंस के व्यवसायीकरण के महत्व के बारे में भी लोगों को बताया। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम सुझाव दिए। पीएम मोदी ने वर्चुअल लैब बनाए जाने की सिफारिश की, जिससे देश में छात्रों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ सके। युवा छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने की सलाह भी पीएम मोदी ने दी। अगली पीढ़ी में वैज्ञानिक कौशल को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले भारतीयों के बीच अनुसंधान और विकास परियोजना में सहयोग बढ़ाने के उपाय भी पीएम मोदी ने सुझाए। वैज्ञानिकों से भारत की आकांक्षा संबंधी जरूरतों पर भी काम करने की उन्होंने अपील की। कृषि उत्पादों और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी CSIR को पीएम मोदी ने जरूरी बताया। पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा भंडारण के लिए 5G वायरलेस तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी को भी लिस्टेड किया है, जो कुछ उभरती चुनौतियां हैं जिन पर वैज्ञानिकों को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की सलाह भी दी है। पीएम मोदी ने इनोवेशन का कमर्शियलाइजेशन करने की जो बात कही है, उससे आने वाले दिनों में भारत कई नई तकनीक इजाद कर सकता है और उसे दुनिया के बाजारों के लिए खोल भी सकता है। वहीं इस बैठक में पीएम मोदी ने CSIR के वैज्ञानिक समुदाय से आम लोगों की जिंदगी में भी सुधार लाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।